इस बेचारे चकोर की जो जोड़ी थी उसकी फीमेल, वो बहुत बीमार हो गई। हमने काफ़ी इसका इलाज करवाया लेकिन इसके बावजूद भी वो बच ना सकी। तो आखिरी स्टेट पे हम उसको वापस इसको देख के आ गए। ये बेचारा अकेला है, ये 3-4 दिन से जो है ना उसको बहुत ढूंढ रहा है, मिस कर रहा है और उसको मिल नहीं रहा अभी। इसको पता नहीं कि उसकी जोड़ी कहाँ चली गई, लेकिन फ़िलहाल इसको हमने पिंजरे में रख दिया है क्योंकि ये घर में नहीं बैठ रहा है, उसकी तलाश में घर को छोड़ के बाहर निकल जाता है। तो मुझे खौफ है कि ऐसा ना हो कि कहीं इसको फिर से कोई बिल्ली, कोई जानवर, कोई ऐसा नहीं इसको खा जाए। ये देख रहे होंगे ये दूसरे परिंदे भी बाहर से आए हुए हैं, दूसरा भी आया हुआ है, ये आके यहाँ पे दाने वगैरह खा के जाते हैं। ये डक अभी खामोशी में इधर बैठे हुए हैं और ये अपनी जो है मुर्गी के बच्चे हैं, ये माशाल्लाह भी फ्रेश नज़र आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत हैं। देखें कंट्रास्ट, वो इसका बड़ा वाला इनको भी डरा रहा है। ये अपनी बकरी इधर बैठी हुई है, वो ब्लैक वाली मुर्गी आप देख रहे होंगे वो बहुत दूर खड़ी हुई इनसे। चकोर का थोड़ा हवाल पूछते हैं। और दोस्त क्या हाल है तुम्हारे? इसको हमने अभी बेचारे को पिंजरे में रखा हुआ है, इसकी थोड़ी सी लाइफ में टेंशन आ गई है। ये पहले था आज़ाद, अभी ये तन्हा हो गया है। इसकी तन्हाई के लिए हमें, इसके लिए दोबारा जो है ना इसकी दोस्त की हम तलाश करेंगे। अभी ये सिंगिंग बर्ड अपना माशाल्लाह बहुत अच्छी लाइफ इसकी थी स्टार्टिंग में, जब इसकी फीमेल जो थी वो बीमार होगी तो इसके बाद जो है ना ये थोड़ा उदास हो गया। इसमें वो भी मस्ती, वो जो है ना पहले वाली बात नहीं रही इसके अंदर। अब जो मैं बात कर रहा हूँ तो वो उसमें थोड़ा सा ध्यान देख के सुन रहा है कि ये मेरा मालिक मुझे क्या कह रहा है। इसको समझ में नहीं आ रही, इसको थोड़ा करीब से देखते हैं। इसकी देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत इसके जो है कलर, इसके जो है स्टाइल बने हुए हैं, बहुत प्यारा मुझे लग रहा है माशाल्लाह। ये इसके बालों के कंट्रास्ट वगैरह देखें कितने खूबसूरत बने हुए हैं। अभी इसको जो है ना इसके लिए हम जाएंगे, कल भी मैं गया था, कोशिश की कि इसके लिए कोई इसका जोड़ी इसको मिल जाए लेकिन इसका अरेंजमेंट नहीं हो सका। इंशाल्लाह दोबारा हम लेके आएंगे इसके लिए। अभी हमने इसको पकड़ के इसकी पट्टी कर दी है और पाँव इसका हमने जो है अपना एक देसी तरीके से थोड़ा सा इसका पाँव का हमने इलाज किया है। अभी पट्टियाँ वगैरह बांध दिए कि जरासीम वगैरह निकाल दिए, पानी मानी में से धो के इसका ज़ख़म और सही तरीके साफ़ किया है। इसने बहुत काटा है हम लोगों को, या मेरे को, मैं अकेला था, कोई और था नहीं जिसके साथ मैं इसको इसकी पकड़ता उसको, तो मैं अच्छी तरीके से इसकी पट्टी करता लेकिन इसके बावजूद भी इसकी पट्टी हो गई है।
आज इसका पहला दिन है। अभी आप देखें शुरू में कितना इसका मुंह खुला हुआ था, ये सांस नहीं ले पा रहा था। अभी थोड़ा रिलैक्स नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह हम जो है ना, अगर इसकी ज़िंदगी रही तो इसको तैयार करके इसको वापस अपने झुंड में छोड़ के आएंगे। या आज इसकी हमने पट्टी कर दी, अभी ये खामोश बैठा है। थोड़ा सा पानी भी वहाँ पे हमने बर्तन में इसको दे दिया है और इसके खाने के बंदोबस्त करेंगे। और थोड़ी देर में जाके इसके जो खाना पीना है, मैं जो खाती हैं या मछलियाँ वगैरह खाती हैं, ये मैं कहीं से अरेंज करके इनको ला के देता हूँ। अब देखते हैं अपने ये किस कंडीशन में आता है।